राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा लॉकडाउन को अभी भी अंतिम विकल्प माने। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करें, युवाओं और बच्चों से भी भूमिका निभाने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के मरीजों को दिलाया भरोसा, कहा हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले इसकी पूरी कोशिश। वैक्सीन की बर्बादी और ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट नाराज। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। यूपी में कोविड प्रबंधन और सरकारी अव्यवस्था पर पीएम ने मांगी रिपोर्ट। यूपी में ग्राउंड फीडबैक, ऑक्सीजन समेत अन्य संसाधनों पर पीएमओ के अधिकारियों की होगी नजर। कोरोना पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव। यूपी में नहीं थम रही कोरोना मरीजों की रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के 29,754 नए मरीज। यूपी में कोरोना के चलते बैंकों के समय में बड़ा बदलाव, कस्टमर्स को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही मिलेगी सुविधा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 3,000 के पार पॉजिटिव केस। उत्तराखंड में रविवार को पूरी तरह से रहेगा कर्फ्यू, हफ्ते में बाकी 6 दिनों तक शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, कहा कोरोना से कम हो रही है मौतें। झारखंड में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख राज्य सरकार का फैसला, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,097 नए केस, एक दिन में कोरोना से 519 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 28,395 मामले आए सामने। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा रामनवमी का त्यौहार। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला को पहनाया जाएगा सोने का मुकुट। यूपी पंचायत चुनाव में 9 जिलों के 20 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा वोटिंग जारी, गड़बड़ी की शिकायत के कारण हो रहा पुनः मतदान। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर। मथुरा में पुलिस टीम पर हमला, हमले में पुलिस के इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस वाले जख्मी। कानपुर देहात में जिला पंचायत की बीजेपी प्रत्याशी रानू कटियार पर हमला। एलआईसी की कोरोना काल में नई पॉलिसी के प्रीमियर से रिकॉर्ड आए। रिलायंस ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, कंपनी फ्री में सप्लाई कर रही है प्रतिदिन 700 टन ऑक्सीजन। इंडियन प्रीमियर लीग में आखिरी ओवर में दिल्ली ने मारी बाजी। दिल्ली की जीत के हीरो शिखर धवन और अमित मिश्रा रहे। पाकिस्तानी संसद बनी जंग का मैदान, पूर्व पीएम अब्बासी ने स्पीकर को दी जूतों से पीटने की धमकी। पाकिस्तान से फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन पर संसद में बवाल।